माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विदित है, हमारी केंद्र की सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 20 सितंबर 2023 को संसद तथा विधानसभा में महिला आरक्षण का प्रावधान करने हेतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। इसमें भी महिलाओं को खुशी नहीं है। अब यह हमारा दायित्व है कि बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा एवं संबल प्राप्त हो, जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1,00,000 रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु प्रारंभ की गई लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों में से 2,80,000 महिलाएं एवं उनके परिवार 1,00,000 रुपए से अधिक की वार्षिक आमदनी कर रहे हैं। इस योजना को और अधिक गति देते हुए आगामी वर्ष 5,00,000 परिवारों की आय 1,00,000 रुपए वार्षिक तक ले जाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किश्तों में 5,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष प्रदेश में प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ाकर 6,500 रुपये किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर 90 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को स्वास्थ्य जांच, पोषण तथा प्री स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने के लिए आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इस हेतु 20 करोड़ रुपए का व्यय होगा। मैं माननीय सदन को स्वामी विवेकानंद का कथन याद दिलाना चाहूंगी। इट इज अ प्रिविलेज टू सर्व मैनकाइंड, फॉर दिस इज द वर्शिप ऑफ गॉड। गॉड इज हियर इन ऑल दीज ह्यूमन सोल्स, ही इज द सोल ऑफ मैन। अर्थात मानव जाति की सेवा करना सौभाग्य की बात है, क्योंकि यह ईश्वर की पूजा है। ईश्वर यही है, इन सभी मानव आत्माओं में वह मनुष्य की ही तो आत्मा है। हमारी सरकार इसी भावना से समस्त प्रदेशवासियों, विशेषकर अल्प आय वर्ग तथा विभिन्न वंचित वर्गों को सहायता व संबल देने का कार्य करेगी। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के कोने कोने में आम आदमी को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। हमारी गत सरकार द्वारा प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को चिकित्सा सुविधा सरकारी व साथ ही निजी अस्पताल चिकित्सालयों में भी उपलब्ध कराए जाने की पहल की गई थी। आज कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी नई तकनीक से ओपीडी में संभव हो रहा है। अतः आमजन को गंभीर बीमारी की स्थिति में और अधिक राहत देने की दृष्टि से अब मैं प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेज जोड़ने की घोषणा करती हूँ।